हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थालपोस का डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए हमने येलो, रेड और वाइट कलर में ये बनाया हुआ है। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 70 ग्राम उलन लगा है। तो ये डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं हम। तो बनाने के लिए हम ऐसे नॉट लगाएंगे। पहले नॉट लगा के हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे और फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे, बांधेंगे, धागे को खींचेंगे हम और यहाँ पर पफ बनाएंगे। हम ऐसे फंदे लेके एक ये हुआ और एक, दो, तीन, चार, पाँच, हम 5 टाइम ऐसे धागे को खींच रहे हैं उलन को। फिर ये इसके नीचे से हम ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 5 टाइम धागे को खींचे, फिर ऐसे इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन फंदे लेंगे, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 फिर इसके नीचे से निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 2 3 3 चेन फिर से बनाएंगे। तो ऐसे हम और बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने राउंड में ऐसे बना लिया 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 बना चुके हैं। इसमें 7 ऐसे पफ बना लिए। फिर फर्स्ट वन में लेके हम इसे ज्वाइंट करेंगे और इसे हम इसे बांध के कट कर लेंगे ऐसे। अब इसे बैक साइड हम लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद से हम फिर ये कलर लेंगे बांध के और ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद से फिर धागे को खींचेंगे हम यहाँ पर और पफ बनाएंगे हम फिर से 1 1 2 3 4 5 फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे, 1 चेन करके फंदे लेंगे, फिर सेम यहीं पे 1 2 3 4 5 फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 चेन करेंगे हम, 1 चेन 1 पफ बना रहे हैं, फिर फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे ही एक और पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। तो 3 पफ बना लिए, फिर 1 चेन करेंगे। अब इसमें फिर से हम ऐसे 3 पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 फिर ऐसे लेंगे, बांधेंगे, फिर 1 चेन, फिर सेम चीज़ें 1 2 3 4 5 फिर ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 चेन, फिर सेम जगह पे फिर 1 2 3 4 5 फिर ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 चेन, फिर 3 इसमें भी बना लिए, फिर लेंगे, फिर इसमें भी हम 3 बनाएंगे। तो हमें 3 3 पफ बनाना है, 1 1 चेन करना है, फिर एक से दूसरे जाने के बीच में भी 1 चेन करना है। तो ऐसे करके राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर राउंड में कंप्लीट होने के बाद से फिर फर्स्ट वन में लेके फिर से जॉइंट करेंगे और इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद से हम वाइट कलर ले रहे हैं और यहाँ पर हम कहीं से भी बनाएंगे ऐसे जॉइंट करके, तो 2 चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, से 2 1
तीन, तीन डबल क्रोशे बना लिए, यहाँ फंदे लेंगे। फिर दूसरे वाले में हम एक दो तीन, थ्री डबल क्रोशे यहाँ भी बनाएंगे, फंदे लेंगे। फिर एक दो तीन, फिर तीन डबल क्रोशे यहाँ भी बनाएंगे, फंदे लेंगे। फिर यहाँ पर भी, तो ऐसे ही तीन तीन डबल क्रोशे हम बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। कि हमने ये चारों तरफ से बना के लाके फर्स्ट स्टोन में जॉइंट करके कट कर लिया है। उसके बाद फिर से येलो कलर लेंगे, हम पफ बनाएंगे। फिर तो कहीं ये देखिए, यहाँ पर एक से दूसरे जाने के बीच में है, यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे बांधेंगे, धागे खींचेंगे, पफ बनाएंगे। फिर यहाँ पर फिर फाइव टाइम धागे को खींच लेंगे हम ऐसे, टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। अब यहाँ पर फिर हम एक दो तीन, थ्री चेन, फंदे लेंगे। फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे हम पूरा पूरा, ये थ्री डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, देखिए। फिर एक दो तीन, थ्री चेन। फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर एक दो तीन, थ्री चेन, फंदे लेंगे। फिर यहाँ पर बनाएंगे, तो ऐसे ही पफ बनाएंगे, थ्री थ्री चेन करेंगे, राउंड कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद से फिर से हम रेड कलर लेंगे और सेम जैसा बनाए हैं रेड वैसे ही बनाना है। यहाँ पर बांधेंगे, पफ बनाएंगे, यहाँ पर दो तीन चार पाँच, फाइव टाइम हम ऐसे। फिर इसके बाद से इसके नीचे से निकाल लेंगे, बांध लेंगे। फिर वन चेन करेंगे फंदे लेके, फिर से एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव टाइम धागे खींचेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे, बांधेंगे। फिर वन चेन करेंगे फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर वन चेन और फिर दूसरे वाले में बनाएंगे हम एक पफ एक चेन, वन पफ वन चेन, वन पफ वन चेन, फिर वन चेन, फिर इधर बनाएंगे वन पफ यहाँ बना लेंगे। फिर वन चेन करेंगे, फिर पफ बनाएंगे हम, फिर बांधेंगे, फिर वन चेन, फिर पफ बनाएंगे, थ्री पफ यहाँ भी बना लेंगे। फिर निकालेंगे, फिर बांधेंगे, फिर वन चेन, फिर इसमें थ्री पफ बनाएंगे लाइन से, और एक चेन एक पफ, वन चेन वन पफ ऐसे बनाएंगे, पूरे में थ्री थ्री पफ बनाएंगे और वन चेन वन पफ बनाएंगे ऐसे ही, तो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद से हम फिर वाइट कलर लेंगे नॉट लगा के, और ये जो बीच बीच में है जगह, इसमें हमें बनाना है एक दो, दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक पास दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे लेंगे। फिर इसके बगल में भी हम एक पास दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फंदे लेंगे। फिर इसके बगल में भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितना हम पफ बनाए हैं सबके बगल में हमें दो दो डबल क्रोशिया बना लेना है ऐसे, देखिए एक पास दो डबल क्रोशिया। तो हम पूरे राउंड में ऐसे दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये राउंड में फिर बना कंप्लीट किया। अब उसके बाद से फिर से यहाँ पर हम येलो कलर से बनाएंगे, तो कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर बांध के धागे को खींच के एक दो तीन चार पाँच, फाइव टाइम इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर एक दो तीन, थ्री चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे।
अब इसमें हम एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, फिर ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, फिर एक दो तीन थ्री चेन फंदे लेंगे, फिर एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया छोड़ के फिर बनाएंगे, तीन चार पाँच, देखिए फिर एक दो तीन फिर थ्री चेन, फिर एक दो तीन, तीन तीन छोड़ छोड़ के हमें बना लेना है। तो हम ऐसे तीन तीन डबल क्रोशिया छोड़ के बनाएंगे और मिडिल में थ्री चेन कर रहे हैं, तो ऐसे बना के पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे हम। अब ये राउंड कंप्लीट होने के बाद से अब इसमें हम नॉट लगाएंगे और जो चेन बनाया है इसमें फिर हम बनाएंगे एक दो चेन करके फंदे लेके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक दो तीन चार पाँच, हम इसमें फाइव डबल क्रोशिया बना लिए, फंदे लेंगे फिर दूसरे वाले में भी एक दो तीन चार पाँच, इसमें भी हम फाइव डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने ऐसे राउंड में कंप्लीट किया। अब उसके बाद से अब यहाँ पर हम रेड कलर से पफ बनाएंगे, नॉट लगा के यहाँ मिडिल से स्टार्ट कर रहे हैं हम बनाना, बांध के ढाई को खींच के पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, फिर एक दो तीन थ्री चेन फंदे लेंगे, अब इसमें एक दो तीन चार फोर छोड़ के डबल क्रोशिया हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, फिर एक दो तीन थ्री चेन फंदे लेंगे, फिर एक दो तीन चार फोर डबल क्रोशिया छोड़ के फिर से एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से निकाल के बांधेंगे, फिर एक दो तीन थ्री चेन करेंगे और फोर फोर डबल क्रोशिया छोड़ छोड़ के हम ऐसे एक एक पफ बनाएंगे। तो पूरे राउंड में ऐसे बना कंप्लीट करेंगे। तो फिर से अब ये रेड कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद से फिर वाइट कलर लेंगे यहाँ पर और जो चेन बनाए हैं उसमें फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, दो चेन करके एक और एक ये दो तीन चार पाँच, इसमें हम फाइव डबल क्रोशिया बना लिए, फिर उसके बगल वाले में हम यहाँ पर एक दो तीन चार, यहाँ पर हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर फिर फाइव बनाएंगे हम, फिर इसके बगल में यहाँ पर फोर बनाएंगे हम, फोर फाइव ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड में बना कंप्लीट करेंगे। एक जगह हम फाइव बनाएंगे, एक जगह फोर बनाएंगे, फिर फाइव बनाएंगे, फिर फोर बनाएंगे, ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। तब ये वाइट का भी लाइन कंप्लीट होने के बाद से अब यहाँ से हम येलो कलर से फिर बनाएंगे, मिडिल में स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे बांध के ढाई को खींच के और पफ फिर बनाएंगे हम, एक एक दो तीन चार पाँच, इसमें से ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन करके हम ढाई को खींच के यहाँ पर पफ बनाएंगे, हम यहाँ पर लास्ट कर रहे हैं ऐसे पफ वाला फ्लावर बना रहे हैं, फिर फाइव टाइम हम ढाई को खींच के फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे बांधेंगे और ये जो चेन बना है इसके ऊपर चढ़ा के क्रोशे के ऊपर ऐसे बांध लेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन फंदे लेंगे और फिर ये पूरा फाइव छोड़ के यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे
फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर 2.5 को खींचेंगे और फिर पफ बनाएंगे, 2 3 4 5 फिर इसके नीचे से निकाल के बांधेंगे, चेन के ऊपर से चढ़ा के ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन। आप इसमें फिर 5 काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 फिर 5 काउंट करके, यहाँ पर हम 5 5 डबल क्रोशे छोड़ के बना रहे हैं। आप लोग को चाहिए तो एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, या तो और भी बनाना हो तो और स्टेप्स भी बना सकते हैं सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। हम ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए ऐसे बना लिए, यहाँ बनाएंगे फिर 5 चेन करके फिर ऐसे बनाएंगे। तो हम चारों तरफ से बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना तैयार कर लिया। डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।